हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सौरभ और आप सभी का स्वागत है दोस्त या टोस्ट में। शेयर बाजार के ऊपर भारत में बहुत कम मूवीज बनी है। शेयर बाजार तो छोड़ दीजिए, एक जो कॉरपोरेट सेक्टर के ऊपर बेस्ड स्टोरीज होती हैं उसके ऊपर इंडिया में बहुत कम मूवीज बनती है। इंडिया में जो ज़्यादातर मूवीज बनती हैं उनमें आप रोमांटिक स्टोरीज हो गई, थ्रिलर्स हो गए, सस्पेंस हो गया, हॉरर मूवीज हो गई, या एक तरीके से अमीर गरीब की लव स्टोरी वाला एंगल हो गया, हार्ड कोर एक्शन मूवीज हो गई, मारधाड़ वाली मूवीज हो गई, लेकिन एक जो प्रॉपर कॉरपोरेट वर्ल्ड के ऊपर मूवीज हैं वो बहुत कम बनती हैं। अगर हम याद करने की कोशिश करें तो हमें एक ही मूवी दिखाई देती है मधुर भंडारकर की कॉरपोरेट, जिसमें बिपाशा बसु और रजत कपूर और के मैनन थे। उसके अलावा शायद ही कोई मूवी याद आती है। हाँ, हॉलीवुड में लगातार बहुत मूवीज बनती रहती हैं और एक से एक क्लासिक मूवी बनती है। लेकिन अब उसी कॉरपोरेट वर्ल्ड या शेयर मार्केट के ऊपर एक मूवी आने वाली है। उस मूवी का नाम है बाजार। फिल्म के लीड कलाकार हैं सैफ अली खान। तो चलिए देखते हैं इसी बाजार का ट्रेलर, फिर हम इसके बारे में बात करते हैं। शकुन यार, एक एडवाइस दे रहा हूं, धीरे दौड़। जिंदगी एक मैराथन है, कोई 100 मीटर स्प्रिंट नहीं। वर्ल्ड बेस्ट मैराथन रनर का नाम बता। और 100 मीटर चैंपियन यूसैन बोल्ट। करेक्ट। मैराथन में दौड़ने वालों को कोई याद नहीं रखता दीपू। मैं हूं रिजवान अहमद, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का लौंडा। शकुन कोठारी के साथ काम करना, बड़ा आदमी बनना मेरा सपना है। कोई टिपिकल मूवी स्टाइल बेच के दिखा, ये कॉफी बेच के दिखा और जॉब ले ले। बेचती सर खुद को। कल को अगर लाख रुपए का सामान दे दिया बेचने के लिए तो क्या करेगा, खुद ही खरीद लेगा। टीम के हर नए खिलाड़ी के लिए एक सीनियर खिलाड़ी उसका खुदा होता है। शकुन कोठारी मेरा खुदा। हार और जीत में एक ही फर्क होता है, भूख। मुझे सिर्फ प्रॉफिट में इंटरेस्ट है। नोट का मालिक बनने के लिए उसे कमाना पड़ता है, पैसा उसका जो धंधा जानता हो, और मैं हूं धंधो नो गंदो छोकरो। मन वचन अनिकायती मिच्छामी दुखड़म। शकुन अगर चांस नहीं देगा तो क्या होगा? मैं दे रही हूँ ना चांस। मैं मुंबई आपके साथ काम करने आया था। छोकरो होशियार छे। वेलकम टू मुंबई रिजवान अहमद। उसका भरोसा मत तोड़ना। मेरे जैसे बनने के लिए लाइन क्रॉस करनी पड़ती है। करोगे लाइन क्रॉस? याद रहे मेरे दो ही रूल हैं। रूल नंबर वन, मेरा पैसा कभी खोना नहीं, और रूल नंबर टू, रूल नंबर वन कभी भूलना नहीं। तो इमोशन पर चलता है, मैं मैथ्स पर। मजा उसे। इस देश को वही 5-7 फैमिलीज चला रही हैं। टाटास, बिरलास, रुयास, अंबानीज, वाडियास। थोड़ा तो गेम चेंज होना चाहिए ना। कोठारीज। ये कोई बिजनेसमैन की स्टोरी नहीं है कि जो जिसको हम रैक्स टू रिचेस की स्टोरी कह सकते हैं। ये बेसिकली एक क्या बोलते हैं, एक रूथलेस जो कॉरपोरेट वर्ल्ड होता है, जहां पर कोई किसी का सगा नहीं है, जहां पर वो कहते हैं ना कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी वाला हिसाब है, कि आपको बहुत ज़्यादा शार्प होना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा स्मार्ट होना पड़ेगा, और सबसे पहले सोचना पड़ेगा अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं। काफ़ी सारे अच्छे अच्छे वन लाइनर्स हैं इसमें। जैसे एक जगह सैफ अली खान कहते हैं कि पैसा उसका जो कमाना जानता है, या फिर मैं इस व्यापार का बड़ा गंदा छोकरा हूँ। थोड़ा सा वो आगे जाके जब और बड़े स्केल पे जाते हैं तो थोड़ा सा ब्रूट हो जाते हैं। एक जगह जाके शायद अपना पैसा किसी को देते हैं तो उसको कहते भी हैं कि मेरे दो रूल हैं, कि पहला तो मेरा पैसा कभी खोना नहीं, और दूसरा कि मेरा रूल कभी भूलना नहीं। तो एक तरीके से वो इमोशंस पे नहीं चलते हैं सैफ अली खान। और ये डायलॉग में बोलते भी हैं कि रिजवान से, कि जहाँ पर तू इमोशंस पे चलता है और मैं मैथमेटिक्स पे चलता हूँ। तो मुझे सैफ अली खान का कैरेक्टर इसमें काफ़ी ज़्यादा कूल लगा, और काफ़ी ज़्यादा ऐसा लगा जो अपने आप को हमेशा कंट्रोल में रखता है, सिचुएशन को कभी अपने ऊपर हावी नहीं होने देता। सैफ अली खान
इस तरीके के रोल्स करने के लिए जाने नहीं जाते हैं, वो बहुत कम ऐसे रोल्स करते हैं, लेकिन जब भी कभी उन्हें अच्छा डायरेक्टर मिल जाता है और ऐसे रोल मिल जाते हैं तो वो बहुत ज़बरदस्त अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं। जैसे एक इंटेंस परफॉर्मर में, जैसे लंगड़ा त्यागी का कैरेक्टर था ओमकारा में, या एक हसीना थी में उनका नेगेटिव कैरेक्टर था, सैफ अली खान के अंदर और रिजवान अहमद दोनों बंदे ऐसे दिखाई हैं जिनके अंदर कामयाबी की भूख है, जो किसी भी कीमत पर टॉप पर पहुंचना चाहते हैं। लेकिन दोनों के कैरेक्टराइजेशन में एक फर्क है। रिजवान अहमद जो है वो कामयाबी पर पहुंचना चाहता है, लेकिन वो कामयाबी के लिए गुलामी तक करने को तैयार है। सैफ अली खान किसी की गुलामी करने को तैयार नहीं है। सैफ अली खान जो है राजा बनना चाहता है, कामयाब तो बनना चाहता है, अमीर तो बनना चाहता है, लेकिन राजा बनना चाहता है। रिजवान अहमद का जो कैरेक्टर है वो क्योंकि बहुत ही लोअर लेवल से आया है, तो वो ये मानता है कि जब तक वो किसी की खुशामद नहीं करेगा, जब तक वो किसी की चमचागिरी नहीं करेगा, तब तक वो टॉप पर नहीं पहुंच सकता। शगुन कोठारी यानी कि सैफ अली खान के साथ उसका काम करने का सपना है। अब उसको चांस देर में मिलता है, शायद उस एक सीन में हमने देखा भी था, राधिका आप्टे कहती हैं कि अगर शगुन कोठारी चांस नहीं देगा तो क्या हुआ, मैं तो दे रही हूँ चांस। एक और सीन में हमने देखा कि जहां राधिका आप्टे कहती हैं कि कामयाब होना है तो लाइन क्रॉस करनी पड़ती है। इस लाइन का बेसिकली मतलब यह है कि यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज विद योर मॉरल वैल्यूज। लेकिन एक सीन जो मुझे बहुत खराब लगा, खराब कहेंगे एक बिल्कुल ही चापलूसी की हद तक, जहां पर, और ऐसा कभी होता नहीं है किसी भी जगह पे, कि एक एचआर वाला जो है उसको इंटरव्यू ले रहा है तो अपने कॉफी के कप में थूक देता है और उसके बाद उसे कहता है इसे बेच के दिखाओ। वो उस कॉफी के कप को पी लेता है और 10 का नोट या 20 का नोट जो भी है वो टेबल पर रख देता है, मैंने खरीद ली। अब ऐसे कल को वो अगर 1,00,000 रुपए का या 10 लाख रुपए का सामान देगा, उसको बेच के देगा, तो क्या वो खुद खरीदेगा? दिस इज ऑल एब्सोल्युटली बुलशिट एंड नॉनसेंस। ऐसा कभी नहीं होता है, और अगर खासतौर से ऐसा कभी कोई इंसान करता है तो वो जीवन में कभी तरक्की नहीं कर सकता, क्योंकि तरक्की करने के लिए एग्रेसिव होना बहुत सारी क्वालिटीज में से एक है, किलर इंस्टिंक्ट का होना बहुत सारी क्वालिटीज में से एक है। सक्सेस के लिए आपको शार्प होना पड़ता है, इंटेलिजेंट होना पड़ता है, आपकी एनालिटिकल, आपकी लॉजिकल स्किल्स, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपकी बहुत ही ज्यादा अच्छी होनी चाहिए। एग्रेसिव और किलर इंस्टिंक्ट होना तो बहुत सारी क्वालिटीज में से एक है, और इस तरीके से अगर आपसे कल को कोई भी कामयाब होने के लिए किसी की झूठन चाटने को बोल देगा और आप उसको करने लगेंगे तो ये एक नॉनसेंस वाली बात है। ये मूवी मुझे काफी ज्यादा जो है हॉलीवुड की मूवी वॉल स्ट्रीट नेवर स्लीप्स, या एक वॉल स्ट्रीट जो 2 पार्ट बने थे इसके, उससे मुझे काफी ज्यादा इंस्पायर्ड लगी। चित्रांगदा सिंह इसमें शायद शगुन कोठारी की वाइफ बनी है, तो उनका रोल मुझे कुछ ऐसा खास लगा नहीं, क्योंकि ये फिल्म पूरी तरीके से सैफ अली खान के इर्द गिर्द घूमती है। बाकी ओवरऑल फिल्म काफी देखने में इंटरेस्टिंग लगती है, गाने इसके ठीक ठाक हैं। फिल्म रिलीज होगी 26 अक्टूबर को। तो दोस्तों ये था मेरा बाजार के बारे में मेरा ट्रेलर रिव्यू रिएक्शन। आप इस वीडियो के बारे में जो भी कमेंट्स है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। आगे फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ, तब तक ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।